हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन हांसू स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोएट जॉन कीट्स के दो टर्म्स को, जिसे उन्होंने कॉइन किया था। फर्स्ट इज निगेटिव कैपेबिलिटीज एंड सेकेंड इज egotistical sometimes. Both were coined by romantic poets John Keats. बहुत से स्टूडेंट का फ्रेंड्स डाउट्स रहता है कि what is the negative capabilities? नहीं समझ में उनको आता कि negative capabilities क्या है। Question कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, especially इंडियन एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिफाइन करूंगी कि नेगेटिव कैपेबिलिटीज क्या है। फाइन, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आई एम श्योर अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू नेगेटिव कैपेबिलिटीज एंड ईगोटिस्टिकल सबलाइम, वो डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, सो दैट स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेगेटिव कैपेबिलिटीज, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस टर्म को कब यूज किया गया था। ओके, the poet John Keats introduced this term in a letter written in December 1817 to define a literary qualities. इस टर्म को जॉन कीट्स ने यूज किया था और उन्होंने लेटर के थ्रू इस टर्म को यूज किया था। लेटर लिखा गया था दिसंबर 1817 में और ये लिटरेरी क्वालिटी को डिफाइन करता है। फाइन, तो यानी दिसंबर 1817 में इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। डेट आपको अच्छे से याद करनी है। विच शेक्सपियर पॉजेस सो एनॉर्मसली, आई मीन निगेटिव कैपेबिलिटीज, दैट इज व्हेन मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स, विदाउट एनी एडिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। यहाँ पर सबसे समझने वाला पॉइंट ये है कि बहुत से स्टूडेंट को फ्रेंड्स डाउट्स होता है कि निगेटिव कैपेबिलिटीज का मतलब है यानी ऐसी कैपेबिलिटीज जो निगेटिव है, किसी चीज को हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो निगेटिव कैपेबिलिटीज है। बट दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज नॉट फैक्ट। जॉन कीट्स शेक्सपियर के वर्क्स को, इन जितने भी शेक्सपियर ने ड्रामा लिखे हैं, वो ऐसा कंसीडर करती हैं कि शेक्सपियर ने इस टर्म को बहुत ही अच्छे से यूज किया है और इसीलिए वो शेक्सपियर को मानते हैं कि शेक्सपियर सबसे ज्यादा इस टर्म को पॉपुलराइज करने के लिए या फिर इसको इन्हांस करने के लिए क्रेडिट भी देते हैं। निगेटिव कैपेबिलिटीज का फ्रेंड्स मतलब है अ मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, यानी एस जब व्यक्ति केपेबल है करने के लिए, क्या केपेबल है करने के लिए, अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स,
यानी जो भी डाउट्स हैं, जो भी मिस्ट्रीज हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, उनको करने के लिए जब वो केपेबल है विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, बिना किसी फैक्ट और रीजन के वो इन डाउट्स को बहुत ही अच्छे से करने के लिए केपेबल होता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटीज। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड में इसे और अच्छे ढंग से हम डिफाइन करेंगे। आइए समझते हैं। दिस फीलिंग ऑफ जॉय आफ्टर क्रिएटिंग सच निगेटिव कैरेक्टर्स इन नोन एज निगेटिव कैपेबिलिटीज। दिस फीलिंग ऑफ जॉय, यानी जब जॉय की हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है आफ्टर क्रिएटिंग सच निगेटिव कैरेक्टर्स, यानी कोई भी निगेटिव कैरेक्टर्स हो, यानी किसी भी ड्रामा में कोई भी निगेटिव कैरेक्टर्स हो या पोएम में निगेटिव कैरेक्टर्स हो, जब वो क्रिएट होते हैं और उसके बाद जो हमारे अंदर जॉय की जो फीलिंग आती है उसे हम निगेटिव कैपेबिलिटीज कहते हैं। फाइन, तो आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस फीलिंग ऑफ जॉय आफ्टर क्रिएटिंग सच निगेटिव कैरेक्टर्स इन नोन एज निगेटिव कैपेबिलिटीज। निगेटिव कैपेबिलिटीज रेफर्स टू द एबिलिटीज ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट टू परस्यू आर्टिस्टिक पोएटिक ब्यूटी इवन एट द कॉस्ट ऑफ थ्रोइंग देमसेल्फ टू द केओस ऑफ अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स कंफ्यूजन एंड पैराडॉक्स। दोस्तों, निगेटिव कैपेबिलिटीज उस एबिलिटीज को, उस क्वालिटी को रेफर करता है जो एक ग्रेट आर्टिस्ट के अंदर होती है, टू परस्यू आर्टिस्टिक पोएटिक ब्यूटी, जो एक आर्टिस्टिक पोएटिक ब्यूटी के पीछे भागता है एंड थ्रो करता है, क्या थ्रो करता है, अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स कंफ्यूजन एंड पैराडॉक्स। यानी मिस्ट्रीज को, डाउट्स को, कंफ्यूजन जो उसके माइंड में चल रहे होते हैं उनको थ्रो करने के बाद उसे इस तरीके से पॉलिश करता है और परस्यू करता है पोएटिक ब्यूटी के थ्रू, ऐसी एबिलिटीज को हम निगेटिव कैपेबिलिटीज कहते हैं। एज अपोज्ड टू फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल मॉरल एंड एस्थेटिक सर्टेनिटीज। अगर हम निगेटिव कैपेबिलिटीज की दोस्तों बात करें तो ये अपोज्ड करता है, विरोध करता है, यानी अपोजिट है, इनसे अपोजिट है फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल मॉरल एंड एस्थेटिक, यानी मोरलिटी को, इंटेलेक्चुअल थिंग्स को, फिलोसफिकल को, फिलोसफिकल थिंग्स जो होती हैं एस्थेटिक, उनके ये जस्ट अपोजिट है। फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड समझाने की कोशिश की है। आइए हम इसे और अच्छे से समझ। जॉन कीट्स प्रेजेस टू विलियम शेक्सपियर। जॉन कीट्स विलियम शेक्सपियर को प्रेस करते हैं एंड सेज शेक्सपियर ऑलवेज रोट फॉर पोएटिक प्लेजर एंड नॉट टू मोरलाइज। कहते हैं कि जो शेक्सपियर थे वो हमेशा, जो भी ड्रामा वो लिखते थे उसमें एक पोएटिक प्लेजर होता था और वो मोरलाइज की बिल्कुल भी बात नहीं करते, मोरलिटी की बात नहीं करते हैं वो। यानी उनके ड्रामा में हम देखते हैं कि एक प्लेजर होता था, जैसे हम ओथेलो का देख लें, मैकबेथ, ये ऐसे प्ले हैं, ऐसे ड्रामा हैं शेक्सपियर के जो पोएटिक प्लेजर देते हैं। जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के पोएट्स हैं एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन कीट्स,
उनकी वर्क्स में यानी उनकी पोयम में हम मोरालिटी मोरालिटीज को देखते हैं। अभी आगे की स्लाइड में हम समझेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के भी कि जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में फ्रेंड्स क्या बोला है। ओके, यहां तक आई हो, आपको क्लियर हो गया होगा। जॉन कीट्स बिलीव्स दैट अ पोइट इज मोस्ट अनपोएटिकल। जॉन कीट्स का मानना है कि पोइट अनपोएटिकल होता है। अ पोइट हैज नो आइडेंटिटी, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई पहचान नहीं होती है। ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फिटिंग सम अदर बॉडीज एंड ऑफ पोएटिकल कैरेक्टर्स। इट हैज नो सेल्फ, इट इज एवरीथिंग एंड नथिंग। इट इंजॉयज लाइट एंड शेड, इट लिव्स इन स्टो। बी इट फॉल और फेल, इट हैज एज मच डिलाइट इन कंसीविंग एंड इयागो और इमोजिन। प्रिंस इयागो एंड इमोजिन, ये बोथ कैरेक्टर आर रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर ड्रामा। ये दोनों कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से लिए गए हैं। दैट्स वाई जॉन कीट्स सबसे ऊपर रखते हैं विलियम शेक्सपियर को निगेटिव कैपेबिलिटीज के मैटर, क्योंकि वो मानते हैं कि उनसे बेटर निगेटिव कैपेबिलिटीज को किसी ने भी अपने ड्रामा में यूज नहीं किया है। फाइन, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। निगेटिव कैपेबिलिटीज विच कीट्स बिलीव्स शेक्सपियर पोजेस्ड इन एबंडेंस अलाउज ग्रेट राइटर टू फाइंड एज मच प्लेजर इन क्रिएटिंग कैरेक्टर्स लाइक इयागो इविल एज इन क्रिएटिंग कैरेक्टर्स लाइक इमोजेन वर्चुअस। यानी इमोजेन के कैरेक्टर को वर्चुअस दिखाया गया है शेक्सपियर के ड्रामा में, एंड इयागो के कैरेक्टर को एज ए इविल प्रेजेंट किया गया है। कीट्स का ऐसा विश्वास है, ऐसा मानते हैं, कंसिडर करते हैं, विलियम शेक्सपियर ने इस टर्म को बहुत ही अच्छे से अपने ड्रामा में यूज किया है। एंड उन्होंने जो कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है अपने ड्रामा में लाइक इयागो, यानी जो ओथेलो में इयागो का कैरेक्टर है एज रिप्रेजेंट एंटागोनिस्ट, यानी एंटागोनिस्ट नहीं कह सकते, उसे इविल हम कैरेक्टर कह सकते हैं। एंड इमोजेन का जो कैरेक्टर है वो वर्चुअस को रिप्रेजेंट करता है। बोथ कैरेक्टर आर रिलेटेड टू निगेटिव कैपेबिलिटीज। यानी इयागो की हम बात करें तो इयागो ये सब जानता था, यानी उसे अच्छे से क्लियर था कि वो जो भी एक्शन कर रहा है, यानी ओथेलो को भड़का रहा है, वो सब उसके लिए बहुत ही डेंजरस है, मुश्किल है उसके लिए। बट फिर भी वो उन डाउट्स को, उन मिस्ट्रीज को, अनसर्टेनिटीज को थ्रो करते हुए इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने यानी इसके अपने द्वारा जो एक्शन उसके द्वारा किए गए थे उसमें वो विक्ट्री पा लेता है और अपने एक्शन में, अपने कार्य में वो सक्सेस भी हो जाता है। एज इट ऑलोज अलाउज द ग्रेट राइटर्स टू टेम्पररी सस्पेंड देयर मॉरल कंसर्न एंड लिव इन ईच कैरेक्टर्स बॉडी एंड फील इट स्टैंडिंग इन देयर शूज। स्टैंडिंग इन देयर शूज फ्रेंड्स, ये इडियम्स है और इसका सिंपली अर्थ होता है टू सी फ्रॉम अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू फील व्हाट अनदर फील्स। यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू को बताया जाता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया जाता है जैसा दूसरा फील करता है। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो भी इंपॉर्टेंट है उसको समझ रहे हैं। दोज राइटर्स हु लैक निगेटिव कैपेबिलिटीज सीम सफर फ्रॉम इगोस्टिकल सबमन। कीट्स एक्यूजेस वर्ड्सवर्थ
to presenting the word through his subjective perspective and not possessing the negative capabilities that Shakespeare possessed. Keats considered that William Wordsworth haven't used negative capabilities in his poem, and he used egotistical sublime. It is just opposite to negative capabilities. When we find out Wordsworth's poem, that all the poem of Wordsworth talks about egotistical sublime. In this, and all the poems of William Wordsworth talks about moralities, intellectual and philosophy. यानी वर्ड्सवर्थ की जो भी पोएम है दोस्तों, वो सब मोरालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, फिलोसफी को रिप्रेजेंट करती हैं और इंटेलेक्चुअल नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। इसीलिए वो एक्यूजेस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को कीट्स कि उन्होंने एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के थ्रू वर्ड को प्रेजेंट किया है, ना कि निगेटिव कैपेबिलिटीज के थ्रू। जबकि शेक्सपियर के ड्रामा में हम नेगेटिव कैपेबिलिटीज को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ऑलवेज मोरलाइज इन हिज पोएम एंड लैक नेगेटिव कैपेबिलिटीज इन हिज पोएम। यानी वर्ड्सवर्थ की पोएम में मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उनकी पोएम में लैक है निगेटिव कैपेबिलिटी की। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम कीट्स की पोयम ओड टू नाइटिंगेल, जिसमें राइटर ने निगेटिव कैपेबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द निगेटिव कैपेबिलिटीज। क्योंकि कभी कभी दोस्तों हमें निगेटिव कैपेबिलिटीज के बारे में पता होते हुए भी हम उसे एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपने आज का वीडियो देखा तो आई एम श्योर आप डेफिनेटली एग्जाम में अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर दोस्तों पूछा जाता है तो आई एम श्योर अब आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने निगेटिव कैपेबिलिटीज को समझा, अब हम यहां पर जॉन कीट्स के द्वारा जो दूसरा टर्म क्वाइन किया गया था एगोटिस्टिकल सबलाइम, उसको हम समझते हैं। जॉन कीट्स क्वाइंड दिस टर्म रिटन अ लेटर टू रिचार्ड वुड हाउस इन 27 अक्टूबर 1818। यानी इस टर्म को उन्होंने क्वाइन किया था 27 दिसंबर 1818 को। ये टर्म भी लेटर के थ्रू क्वाइन किया गया था और उन्होंने रिचार्ड वुड हाउस को ये लेटर लिखा था और ये टर्म पॉपुलर हुआ था। जबकि हम निगेटिव कैपेबिलिटीज की बात करें तो नेगेटिव कैपेबिलिटी भी लेटर के थ्रू क्वाइन किया गया था टर्म, एंड इट वॉज क्वाइंड इन दिसंबर 1817 में। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव कैपेबिलिटीज पहले आया और इगोटिस्टिकल सबलाइम टर्म बाद में आया, एक साल के बाद। यानी नेगेटिव कैपेबिलिटीज 1817 में एंड इगोटिस्टिकल सबलाइम 1818 में आया था। इट इज जस्ट अपोजिट टू नेगेटिव कैपेबिलिटीज। यानी जो भी फीचर अभी हमने पढ़े नेगेटिव कैपेबिलिटीज में, वो सारे जस्ट अपोजिट है इगोटिस्टिकल सबलाइम। यानी जो फीचर नेगेटिव कैपेबिलिटीज में नहीं होते हैं दोस्तों, वो फीचर इगोटिस्टिकल सबलाइम में होते हैं। क्या है वो फीचर? अ राइटर फॉलोज मोरालिटी, मोरल आइडियाज, थिंकिंग सफर फ्रॉम इगोटिस्टिकल सबलाइम।
यानी राइटर इसमें मोरालिटी की बात करता है, मोरल आइडियाज की बात करता है। थिंकिंग सफर्स फ्रॉम इगोटिस्टिकल सबलाइन, थिंकिंग का मतलब है इंटेलेक्चुअल की बात करता है, फिलोसफी की बात करता है, यानी ये सारे टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइन में यूज किए जाते हैं, जबकि निगेटिव कैपेबिलिटीज में इन टर्म को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। निगेटिव कैपेबिलिटीज इज जस्ट अपोजिट टू इगोटिस्टिकल सबलाइन। ओके, तो ये डिफरेंस है इगोटिस्टिकल सबलाइन और निगेटिव कैपेबिलिटीज में। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन डाउट्स को क्लियर करने की। और फ्रेंड्स, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें वीडियो का, और इस तरीके से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करती रहूँगी अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।